को समझना चाहिए कि वो स्टेट नहीं है, वो एक इमोशन है। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुलका जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा, और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा, और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप, तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो हो कि किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले, मुझे दुख।